यहाँ पे क्यों ना आया हो, पर उसको इतना बड़ा बात तुझे बोलना कि नहीं, तू इतने दिन से हार्ड जिगर चाहिए, इसका मतलब तू समझ के तुझसे कितना प्यार करता है। समझ बात को, कि वही चीज है कि उस लेवल का, और वो बंदा कोई नहीं बोलता ऐसे। हाँ, वही बोल रहे कि क्योंकि देख जो भी आता है ना बाहर से वो जीतने के लिए आता है। वही बोल रहे कि देख अगर दो बेस्ट फ्रेंड भी अगर हम मेरी दोस्त कहीं से रह रहे हैं, जब यहाँ आएंगे तो मन में वो इच्छा जरूर रहेगा कि नहीं यार ट्रॉफी ठीक है तुझे बहुत प्यार करते हैं, बट हम भी तो जीतने आए हैं, और ये ह्यूमन नेचर होना भी चाहिए। बट उसका बर्पन देख वो इन सबसे बड़ा है, मतलब इसीलिए कहीं ना कहीं वो चीज है कि यार वो बंदा दिल का बहुत अच्छा है। प्लस क्योंकि हम वो चीज देखे उसमें, जैसे अभी मेरा भी आता है तो कल भी वो सोफा पे बैठा तो बोला ना टिकट फिनाले, तो मेरे को साइड घूम के बोला तेरे लिए मैं छोड़ दूंगा। समझ रहे हो, उसके में हम ये चीज देखे कि जिसको वो मानता है ना, वो हमें फिर बाथरूम पास भी आगे बढ़ जाए तो बोला हम हार जाएगा, तब उसको मजाक से बोले भी कि मंचले जी अगर हम जाएंगे ना तो हम चाहते हैं हम अपनी मेहनत और अपने दम पे जाए, ऐसे नहीं जाना चाहते, बट आप इतनी बड़ी बात बोले कि तेरे लिए हार जाओगे वो भी बहुत बड़ी बात है। तो वो चीज हमको उसमें बहुत अच्छा दिखता है कि वो जिसको मानता है ना उसके लिए गेम छोड़ने के लिए भी रेडी हो जाता है, जो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए मतलब एक होता है ना कम टाइम में भी, उसने मुझे ये बात भी बोल कह रहा है वोट के बेसिस पे अगर मैं जीत जाऊंगा तो मुझे ये जीत रास भी नहीं आएगी। समझ रहा, कोई नहीं बोलते बात, वही बोल रहे हैं ना यार बहुत। ऑब्वियसली एक बात, उसकी फैन फॉलोइंग मेरे से डबल है, तो कहीं ना कहीं बहुत मतलब उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस मुझसे बहुत ज्यादा है, बट फिर भी मतलब उसने ये बात बोली कि वो यहाँ डिजर्व करता है जीतना, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, खुद उसने बोला कह रहा मैं इतने दिन मेरे से नहीं रहा जा रहा, पर तू इतने दिन से रह रहा है और कैसे कैसे रहा है तू, तो मेरे लिए यू फॉट लाइक अ चैम्प, यू आर द विनर। तो ये ऐसे कोई नहीं बोलता भाई, बाकी तो जो लिखा होगा जो पब्लिक को मंजूर होगा वो होगा, और एक वो तो होते ही यार, देख तुम इतने दिनों से रह रहे हो, समझे मेरी बात, तो तुम इतने दिन से रह रहे हो और उस सिचुएशन में कोई नया तड़का आता है ना, तो ऑब्वियसली जैसे कोई नया बंदा आता है तो उसको एक उसको लगता है कि मैं यहाँ कैसे एडजस्ट करूँ, बट सारी अटेंशन उनकी तरफ होती है क्योंकि हम लोग 30 दिन से एक दूसरे को सब बातें कर चुके हैं, सब चीज़ें हम देख चुके हैं, हमारे लिए कुछ नया नहीं है, बट दो बंदे नए आए तो तुम उनको जानना चाहते हो वो कैसे हैं क्या है, ऊपर से एक बंदा ऐसा है जो इतना फनी हो तो और मज़ेदार हो जाता है कि भाई अरे यार क्या बंदा है। देख उसका एक प्लस पॉइंट है, देखिए है ही कि वो कम टाइम में भी जहाँ जिसका जगह बनाना है वो तो ऑलरेडी बना ही लिया होगा। समझ रहे बात को, नो डाउट लोग उसको बहुत पसंद कर रहे होंगे बहुत, और उसका ये सब साइड भी देख के एक एज अ पर्सन भी लोग पसंद करता है किसी को। समझ रहे, जीतना नहीं जीतना अभी हमको कोई यहाँ कितना भी बोल दे, बट हमको पता है हम जो कर रहे हैं लोग बोलेगा एज अ पर्सन भी ये लड़की। समझ बात को, तो एज अ पर्सन भी सिर्फ जीतने के लिए हर टास्क में, यहाँ पे ना जीत के भी कितना टास्क छोड़ना। और इस शो के बाद ना हर सबसे ज्यादा चीज जो मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि तुम लोग तुम्हें किस टाइप के इंसान से जानते हैं, ये नहीं कि तुम जीते या हारे ना, क्योंकि क्या होता है बहुत बड़ी ऑडियंस है, कुछ लोग तेरे पास आएंगे, कुछ लोग मेरे पास आएंगे, कुछ लोग एल्विश कह जाएंगे, कुछ जैड कह जाएंगे, वो उस इसलिए जाएंगे कि वो इंसान कैसा है। अब बेबी का को यहाँ से बहुत अटेंशन मिल जाएगी, एक टाइम के लिए मिल जाएगी, और वो फिनाले में भी चल रहा है। एग्जाम्पल बताते हैं, वो इस शो में आके इस शो में टिकने के लिए कर ली पब्लिक का, बट कहीं ना कहीं जब भी लोगों को पता चलेगा ये लड़की बदतमीजी से बात करती थी किसी को, हर समझ रहा उसका कोई अच्छा इमेज नहीं जा रहा बाहर, वो उसका वही जाएगा कि यार कितनी बड़ी लड़ाकिन थी, गुजरेगी तो लोग ले लेगा कि अरे यार आप तो हाँ थे वो, पर वो चीज में होना और एक अच्छा इमेज बनाना उसमें बहुत फर्क होता है। नो डाउट 100%। नाउ यू आर इन इंडिया, डेट एन इंडियन, डेट एन इंडियन, शी विल कीप यू फॉरएवर हियर। या वाओ, आशिका इज वाचिंग लाइक दिस, व्हाई नॉट जस्ट या।